मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मथुरा समाज सेवी जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार शर्मा मुन्ना भैया ने आगामी राम मंदिर और गणतंत्र दिवस के पर्व को देखते हुए जनपद वासियों से शांतिपूर्वक मनाए जाने और भाईचारा रखने की अपील की। देखिए प्रमुख समाज सेवी कृष्ण कुमार शर्मा मुन्ना भैया से वार्ता करते हुए कृष्णा गुप्ता। हमारे साथ हैं आज मथुरा जनपद के वरिष्ठ राजनेता, जानी मानी राजनीतिक शख्सियत, वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण कुमार शर्मा मुन्ना भैया। शर्मा जी, आगामी 22 जनवरी को सूबे की सरकार ने जहां एक और कमर कस ली है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और आगामी 26 जनवरी के पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है, तो जनपद वासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, ये 500 वर्षों का इतिहास है, सूर्यवंशियों का इतिहास है, बलिदानियों का इतिहास है। इस इतिहास का सर्वोपरि ये मानता हूँ कि उसमें कई हजार सूर्यवंशियों ने अपनी बलिदानी दी थी और मुसलमानों से युद्ध किया था, और उसके बाद भी उनके साथ बाबरी मस्जिद बना दी गई मंदिर को उठाने के बाद। तो युद्ध आज का नहीं था, ये भारतवर्ष के एक इतिहास का पन्ना बदला गया है जो वास्तविक स्वरूप होने जा रहा है। वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान राला की मूर्ति उस जगह नहीं थी तो क्या बाबर की थी? मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, इस आज के हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी महाराज मुख्यमंत्री जी का सच सच नमन करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों ने, इन्होंने हमारे देश, हमारे समाज की, सनातन धर्मियों की नाक बचा ली है। और इसी स्वरूप में यह कहना चाहता हूँ कि आज के इस पावन पर्व पर हर व्यक्ति, मेरे यहाँ 5-7 मंदिरों की व्यवस्था मैंने की है, उस दिन भंडारा होगा और सभी सुंदर कांड का पाठ होगा। उस दिन पूरा देश ये एहसास करेगा कि आने वाला जो भगवान राम जिस समय श्रीलंका से आए थे, उस समय का दोबारा 10 लाख वर्ष पुराना इतिहास 22 तारीख को प्रखर होगा और दुनिया देखेगी कि ये जो है रामलला की वास्तविक मूर्ति आई बैठिए। तो ये सब है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सभी देशवासी गौरवान्वित हैं इस समारोह को देखकर। इसीलिए गौरवान्वित है कि यहाँ रामलला की हमारी इतिहास में इतने बड़े पन्ना पलटे गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।